अभी अभी जो स्क्रीन पे आपने एक चीज देखी, एक छोटी सी क्लिप देखी, ये मैंने क्लिप वैसे इंस्टाग्राम से प्ले करी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। बेसिकली इससे हमें क्या जानने को मिला, क्या सीखने को मिला, आज उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। टाइटल और थंबनेल से आपको मालूम चल ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि संगीत या लय या सुर हमारे अंग अंग में होना चाहिए। अब कैसे उसको हम समा सकते हैं अपने अंदर, और क्या ये वीडियो था और इससे क्या रिलेशन होता है, पूरा आप वीडियो देखेंगे तो आपको चर्चा जो है मैं उस पर करने जा रहा हूँ और आपको मालूम चलेगी। तो जल्दी कीजिए और जुड़िए हमसे, वन ऑन वन क्लास के माध्यम से लाइव कैमरे पर सीख सकते हैं संगीत की बारीकियां, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ SPW चैनल या फिर SPW का ये जो ऐप है, संगीत धारा SPW। कोई दोस्त है न रकीब है, कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। कोई दोस्त है, कोई दोस्त है न रकीब है, मैं यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है, यहाँ कौन इतना करीब है। जगजीत साहब की गाई हुई ये गज़ल है, आप सुनिएगा, बड़ी ही खूबसूरत इसकी कंपोजिशन है और बड़े ही सच्चे इसके शब्द हैं। चलिए आज वापस आते हैं उसी टॉपिक पर कि संगीत हमारे अंग अंग में होनी चाहिए। एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कुछ समय पहले मैंने वो रिलीज़ किया था, मेरे ही साथ हमारे SPW के एक स्टूडेंट के साथ वो वीडियो मैंने बनाया था और थोड़ा आउटर लोकेशन पर था। आउटर लोकेशन से मेरा ये मतलब है कि हमारे घर के ही यानी इंस्टीट्यूट के ही बाहर सवेरे सवेरे मैं उनके साथ वॉक पर निकला था। तब ये ख्याल जो है ये मेरे जहन में आया कि कैसे हम ये कहते हैं कि संगीत को आत्मसात कर लेना चाहिए, संगीत को जीना चाहिए, न कि फकत सीखना चाहिए, है ना। व्हेन यू लिव द म्यूज़िक तब जाके वो बात आती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि यू आर लर्निंग द म्यूज़िक, कि आप एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, 4 से 7 की क्लास ले रहे हैं, 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास ले रहे हैं, वापस घर आ रहे हैं, दहलीज क्रॉस करते ही भूल जा रहे हैं कि संगीत क्या चीज़ होती है, किस चिड़िया का नाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संगीत रग रग में, नस नस में, अंग अंग में जब होता है तब जाके बाहर आता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे दो व्यक्ति, एक मेल एक फीमेल, कीबोर्ड एक जमीन पे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज है जिसमें वो अपने पैरों से, है ना। चलिए वो बात अलग है कि शास्त्रीय संगीत है हमारा, हमारी संस्कृति है और कैसे हम अपने इंस्ट्रूमेंट की, साज की बड़ी इज्जत करते हैं तो हम पाँव नहीं लगाते हैं, तो खैर एक वो टॉपिक अलग हो जाता है। पर जो चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आपने देखा कैसे एक लय में वो लोग एक एक सुर पे पाँव दे देकर एक कॉम्पोजिशन को बजा रहे थे, और रहने दो ना, ठीक है, बैठा रहेगा वो, कैसे वो एक कॉम्पोजिशन को बजा रहे थे और किस तरह से एक धुन उन्होंने बजाई, है ना, और उनका कैसा सामंजस्य आपस में। और ऐसा भी नहीं कि हाथों से वो कीबोर्ड उन्होंने बजाया हो, पैरों से उन्होंने वो कीबोर्ड बजा बजा के, एक एक सुर को बजा बजा के, तब भी उसी ही लय में बाकायदा, सुर न मिस करते हुए, लय न मिस करते हुए एक धुन उन्होंने बजा दी। तो ये कैसे मुमकिन है? अगर हमारे गायकी, हमारा सुर हमारे सिर्फ हाथों में है, अगर अभ्यास हमारा ऐसा है कि हम तो सिर्फ हाथों से सुरों को निकाल सकते हैं, हमारे जहन में नहीं है, अंग अंग में नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा? आपने देखा उनके अंग अंग में संगीत था, तभी जाके वो चीज़ मुमकिन हो पाई कि वो लय में अगर ऐसे दे सकता हूं
तो मैं ऐसे भी दे सकता हूं और ऐसा ही मैं लय में चल भी सकता हूं। कथक क्या होता है? संपूर्ण शरीर उसमें लय में होता है, लयबद्ध होता है, तब जाके कथक होता है। आपके कदम, आपके पांव, आपके हाथ, आपके अंग भाव, आपके हस्तक, आपकी हस्त मुद्राएं, आपका चेहरा, सब एक लय में बोलता है। इवन भौहें आपकी, आंखें आपकी, होंठ आपके, कान आपके, नजर आपकी, सब चीज एक लय में चलती है। तो वो लय आत्मसात हो चुकी है, अंग अंग में है, तब जाके वो मुमकिन हुआ। तो आपने जो एक एग्जांपल देखा, यही मैंने अपने एक विद्यार्थी के साथ किया था कि मैंने बोला चलो वॉक पे चलते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाते ही हम लोग, करना क्या है, मैं चलूंगा एक लय में चलूंगा। हम वॉक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक लय में नहीं करते हैं। बेलय हमारी वॉक होती है कि एक कदम और दूसरे कदम के बीच का जो दूरी है, जो टाइम पीरियड है, वो कोई निश्चित नहीं होता। तो मैंने कहा हम एक निश्चित लय में चलेंगे, 60 की गति ले ली, 30 की गति ले ली, उसमें मैं चलता हूं, आप भी मेरे साथ उसी लय में चलिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप मेरी दो गुने में चलिएगा, मैं जो लय में चल रहा हूँ उसकी दो गुने लय में आप उस गति को पकड़िए और उसमें चलिए मेरे साथ में। उतना ही डिस्टेंस कवर होना चाहिए, क्योंकि दो गुने का मतलब वही होता है भाई, एक मात्रा में दो बोल आने चाहिए, है ना। तो मैंने बोला अगर मैंने एक कदम चला है तो उसी एक कदम में आपके दो कदम आ जाने चाहिए, और तीसरा जो स्टूडेंट है वो उसी डिस्टेंस में तीन कदम रखेगा, उसी डिस्टेंस में, तो वो किस दूरी पे किस लय में होगा, और चौथा जो स्टूडेंट है वो चार कदम रखेगा उतनी ही दूरी में। तो इस तरह से हमने लय के साथ जो है हमने वॉक करी, तो ये क्या हुआ, हमारा जो संगीत था वो हमारे अंग अंग में आया, तब जाके ये चीज मुमकिन हो पाई, वो रग रग में बसा है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, मेरे दादा गुरुजी पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, उनके पिताजी का, जिनको संगीत मूर्ति की उपाधि मिली हुई है, उनका एग्जांपल, मेरे पिताजी ने मुझे ये किस्सा सुनाया, खैर मैं तो मौजूद नहीं था उस समय, है ना। तो उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि वो जब बाथरूम में अपने कपड़े धोते थे उसमें भी एक लय होती थी, इवन वो उसमें अच्छे खासे तोड़े टुकड़े किया करते थे, और जब तक सम नहीं आ जाता था, जब तक तिहाई का सम नहीं आता था, वो बाथरूम से बाहर नहीं आते थे। ये खासियत थी उनकी कि वो, और वो बैठे बैठे पिताजी और मेरे पिताजी और जो गुरुजी हैं मेरे दादा गुरुजी, वो दोनों बाथरूम के बाहर खड़े होकर बस कैलकुलेट ही कर रहे होते थे कि अभी क्या चल रहा है। इवन वहाँ कोई बोल नहीं है, कोई तबला नहीं है, कोई साज नहीं है, उनके हाथ में कपड़े हैं जिनको वो धो रहे हैं, वो भी एक बाकायदा लय में वो धोते थे अगर वो चल रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये होता है जब अंग अंग में आपके संगीत होता है, हर जगह आपको और कुछ नजर नहीं आता है, जब संगीत से इश्क हो जाता है आपको। इश्क उसी को कहते हैं कि फिर हर जगह हर कण में आपको और कुछ नजर ना आए, उसे कहते हैं। मैं एक विद्यार्थी के घर गया, उन्होंने मुझे बोला कि आप, बहुत टाइम हो गया है हम आपसे सीख रहे हैं, तुम्हारा एक सौभाग्य होगा अगर आप हमारे घर आएंगे और भोजन करेंगे। तो हम चले गए, चलिए। तो वहां मैंने, उनका पंखा चल रहा था, उस पंखे को चलते हुए मैंने उन्हें ये बोला कि अरे आप, मीनल जी उनका नाम था, तो मैंने बोला मीनल जी आपको तो इलेक्ट्रॉनिक तबले की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, आपका तो पंखा जो है खरखर कर रहा है, एक लय में चल रहा है, तो आप इसी के साथ में अपना जो नृत्य है वो कर सकती हैं, आपको कोई तबला कोई मेट्रोनोम की आवश्यकता नहीं है। तब उन्होंने एक बात बोली कि निषाद जी आपके तो नस नस में रग रग में संगीत बसा हुआ, आपको कहीं और कुछ नजर ही नहीं आता है। मैंने कहा यही तरीका है, यही संगीत सीखने का तरीका है, यही संगीत को जीने का ढंग है कि और कुछ नजर ना आए। फिर जब इश्क होता है तब उस व्यक्ति के, उस चीज के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता है, इसे इश्क कहते हैं। सिर्फ प्यार मोहब्बत, छोटी मोटी लगन नहीं है, छोटी मोटी चाहत नहीं कह रहा हूं मैं, इश्क की बात कर रहा हूं मैं, पैशन की बात कर रहा हूं मैं, जुनून की बात कर रहा हूं। तो जब ये हो जाता है, इस सब्जेक्ट से इश्क हो जाता है, तो रात दिन क्या, दिन दोपहर क्या, बारिश सर्दी क्या, जगह क्या देखना, है ना। ऐसा नहीं होता कि हम बाहर खड़े तो अरे भाई सभ्यता से करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक वाक्य लिखा था कुछ दिन पहले कि कलाकार एक विचित्र चरित्र होता है, बड़ा ही अजीब प्राणी होता है वो, वियर्ड। ऐसा नहीं कि वो बड़ा ही सभ्य होगा, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो असभ्य बदतमीज होगा, नहीं, पर वो बंधा हुआ नहीं होता है। जैसे कि मेरे पिताजी हमें हमेशा यही सलाह दिया करते थे, कलाकार बेशर्म होता है सबसे बड़ा। सड़क के बीचों बीच चौराहे पे मैंने आपको खड़ा कर दिया, मैंने कहा गाओ चलो, तो ये नहीं कह रहे भाई चार लोग देख रहे हैं कैसे गाऊं, या मेरी आवाज कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, वो नहीं। इतनी बेझिझक होनी चाहिए आपकी कला, इतना बेबाक आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। बेबाक यानी कि आप कहीं बोलने से डरे नहीं, फिर जो है खुला है। तो अंग अंग में बसाने के लिए इस तरह से आपको संगीत को जीना पड़ता है, और तब जाके होता है काम। हाथ से बोला तो पांव से बोला, है ना, कि लय में चलिए, चल के देखिएगा एक दिन, कभी करके देखिएगा, लय में चल रहे हैं, अब उसी में हम दोगुन में चल रहे हैं, फिर हम कभी तिगुन में चल रहे हैं, कदमों में लय बिठाइए। ऐसा नहीं कि आप कथक नर्तक हैं तभी वो चीज़ मुमकिन है, ऐसा नहीं है। मैं तो कथक नर्तक नहीं हूं, मैं नहीं कथक करता हूं, प्रैक्टिकली नहीं करता हूं, स्टिल मैं पांव से भी आपको वो लय दिखा सकता हूं, मैं हाथ से भी दिखा सकता हूं, मैं बोल के भी बता सकता हूं, मेरी गर्दन हिलेगी तो लय में, मेरा हाथ चलेगा तो लय में। आप देखिए संगीतकार जब गाते गाते अगर उनकी गर्दन हिलती है तो वो गर्दन किस में, ऐसी थोड़ी उनके मोच आ गई इसलिए गर्दन हिला रहे हैं, कुछ हो गया है, नहीं, वो लय में चलती है,
लय से वो झटके बताते हैं। मेरे दादा गुरुजी अक्सर कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ संगत कर रहा हूँ, तबले पे हूँ, तो तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरी तरफ देखना है, मुझे देखना है, अपने आप तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कहाँ लय छूटी, कहाँ मात्रा गई। क्योंकि उनका शरीर बोलता है लय में, गर्दन बोलती है लय में, आंखें बोलती हैं लय में। तो ये कब मुमकिन होता है? जब अंग अंग में वो बस जाता है, जब आत्मसात उसे कर लिया जाता है। और आत्मसात कोई चीज़ तभी होती है जब उसे जी लिया जाता है, सिर्फ सीखा नहीं जाता है, सिर्फ दिन के 2 घंटे या 4 घंटे या नियमित समय नहीं, पूरा जीवन दिया जाता है, तब जाके वो आत्मसात होता है ना। आपका व्यक्तित्व किससे बनता है? व्यक्तित्व उसी से बनता है जब आप अपने जीवन उसमें दे देते हैं। एक वाक्य बोल के मैं खत्म करूंगा जो मैंने पिछली बार भी कई बार बोला है, और बहुत साल पहले मैंने एक स्टूडेंट को बोला था कि अगर संगीत से जिंदगी बनानी है, रोजी रोटी वही चाहिए ना आपको, और क्या, संगीत क्यों सीख रहे हो? पेट पालना है, आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, एक मकाम हासिल करना है, तो क्या है ये, जिंदगी बना रहे हो ना इस विषय से? अगर संगीत से जिंदगी बनानी है तो संगीत को जिंदगी बना लो, तब जाके इससे जिंदगी बनती है ना। इस हुनर को अपनी जिंदगी बना लो, संगीत को, ठीक है, तब जाके अंग अंग में बसेगा और ये चीज़ मुमकिन हो पाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक कमरे में बैठ के, एक स्टेज पे बैठ के, एक जगह बैठ के, ये हमारी परफॉर्मेंस है, आई एम एन आर्टिस्ट, उसे आर्टिस्ट नहीं कहते। कहीं भी खड़ा हो जाए तो बोले कि हाँ ये लय है, है ना। जैसे मैंने एक वसीम साहब का शेर है ना, जो मैंने पहले भी सुनाया था किसी को, कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वो जमीन मेरी पहचान है। मेरे को एग्जैक्ट शेर याद नहीं, बट हाँ ये उसका जिस्ट है कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो जमीन, मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं वो जमीन मेरी पहचान है। तू तूफान है तो क्या मुझे उड़ा ले जाएगा? कि मैं जहां खड़ा होऊंगा वहां मैं अपनी पहचान बना सकता हूं, इतनी काबिलियत में रखता हूं। तो वो कब रखते हो? जब आपके अंदर वो हुनर होगा। किसी साज के मोहताज नहीं हो आप। हारमोनियम है तो मैं गाऊंगा, तबला है तो मैं गाऊंगा, तानपुरा है तो मैं गा पाऊंगा, नहीं, वो अंदर है मेरे, जो कुछ है इधर है, जहन बोलता है मेरा, जहन में सुर बसे हैं, लय बसी है। वो कब बसी है? जब अंदर होगी तब होगी ना, वरना तो निर्भर रहोगे, वरना कैसे आएगा? कि भी खड़े हो गए, सुर चाहिए रहेगा, लय चाहिए रहेगी, लय बोलती है ये लो, ये आ गई लय, है ना। दादा गुरु जी अक्सर ऐसे चलते फिरते, उनके तबला चलता रहता है माइंड में, वो गले से तबला बजाते रहते हैं, है ना। तो वो क्या है, माइंड में तबला चलता है जब आप गाते हैं कोई चीज़। तो ऐसा नहीं कि तबला बजेगा तो मालूम चलेगा कि ये ताल कौन सी है या कौन सी मात्रा चली कौन सी नहीं चली, ना, गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उपज ऐसी हो जाती है कि वो आपको मालूम है कि 8 मात्रा की चीज़ निकाली, 8 की ही चलेगी वो, भले आप ना गिन रहे हैं, ना ताल चल रही है, ना लय चल रही है, क्योंकि आत्मसात हो जाता है। होता है अक्सर मैं जब गुरुजी की क्लास में बैठा होता हूँ तो होगा कि चलो कोई राग चल रही है, कोई ख्याल चल रहा है, तो वो गा रहे हैं और एक एक करके वो कुछ तान या कुछ आलाप या कुछ करेंगे, तो हम उसे नोट करेंगे। तो क्या होता है, बिना गिने कोई ताल भी नहीं चल रही होती है, उनकी निश्चित चीज़ें निकलती हैं। 8-8 मात्रा की देनी है तो 8 की निकलेगी, 16 की 16, गिन नहीं रहे, क्योंकि वो उपज में ही वो चीज़ आ गई है, क्योंकि आत्मसात कर लिया है उस लय को, उस ताल को, क्योंकि जीवन दे दिया है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया है। तो अंग अंग में बसाना है, आत्मसात करना है, तो जीना पड़ेगा संगीत को, ठीक है। शुक्रिया।